गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज हम करेंगे कक्षा 3 का हिंदी का पहला पाठ, देश की माटी कविता। तो शुरू करें। यस सर। मैं इस पोइम को बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे और फिर हम उसके इसका सरलार्थ करेंगे, ठीक है? करें शुरू। यस सर। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश की माटी देश का जल। यहाँ पर जो कवि है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या बताते हैं, वो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का मतलब कौन है यहाँ पर? भगवान। प्रभु कौन है यहाँ पर? भगवान। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि जो हमारे देश की माटी है, माटी का मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी, ठीक है। और जो देश का जल है वो कैसा बने? सरस। सरस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मीठा, मधुर, ठीक है। और हवा देश की देश के फल, यानी के जो देश के फल है वो रस से युक्त हो, मीठे बने, जिससे इस धरती पर रहने वाले हम सभी मनुष्य क्या बन जाएं? सरस बने, ठीक है। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि देश की माटी और देश का जल और जो हवा वहाँ पर बहती है वो भी, और देश के सभी फल, वो सब क्या बने? सरस बने, ठीक है। तो इतना समझ आया? यस। अगले सरलार्थ पे चलते हैं। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के घर और देश के तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर वो भगवान से प्रार्थना करता है। पहले तो सरल कार जानते हैं, सरल का मतलब क्या होता है? आसान, ठीक है। जो देश के घर है यानी हमारे देश के सभी घर, और देश के घाट यानी के देश के सभी नदियों के घाट, और देश के वन, वन का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है। जो देश के जंगल है और देश के बाट, बाट का मतलब क्या है यहाँ पे? रास्ता। बाट क्या होता है? रास्ता, ठीक है। वो सब क्या बने? आसान, जिस पर चलने में कोई कठिनाई न हो, जिससे इस देश में रहने वाले लोगों का जीवन क्या बने? सरल हो जाए। तो कवि जो है परमात्मा से ये प्रार्थना करता है कि जो देश के घर हैं, देश के गलियों के जो रास्ते हैं, नदियों के घाट है, और यहाँ के जो जंगल है वो सब क्या बने? सरल बने, ठीक है। समझ आया इतना? यस। आगे चलते हैं। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर एक भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। वेरी गुड। तो ये जो पोइम है
ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और इसमें कवि अंतिम पद्यांश में क्या कहते हैं कि देश के तन, तन का मतलब होता है शरीर, ठीक है, और देश के मन, यानी कि वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हम सब देशवासियों के जो शरीर और मन हैं वो क्या बने, विमल। विमल का मतलब होता है स्वच्छ या साफ, ठीक है। देश के घर के भाई बहन विमल बने, प्रभु विमल बने, अर्थात देश में रहने वाले हर घर के भाई बहन स्वच्छ स्वभाव वाले बने, अर्थात उनके मन भी साफ बने, तो सभी मनुष्यों में प्रेम और भाईचारा बना रहे। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है देश में भाईचारा कायम करना चाहता है, ठीक है। तो कैसी लगी पोइम ये? बहुत अच्छी। वेरी गुड। तो अगले भाग में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। आज के लिए हम इसका सरलार्थ पर यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।